बिहार के आम लोगों के लिए खास प्रयास से बना यह ब्लड सेंटर एक साल में 3,281 लोगों को दिया खून। बिहार के आम लोग कितना बड़ा सामूहिक काम कर सकते हैं, उस जीत के प्रमाण को अस्तित्व में आए 27 फरवरी को एक साल हो जाएगा। जरूरतमंद को खून देने में पीछे रहने वाले बिहार में कोई एक आदमी ठान ले कि रक्तदान की मुहिम चलानी है तो फिर उसकी निस्वार्थ सेवा में कैसे लोग हाथ पकड़ते बढ़ते चलते हैं, यह उसका भी प्रमाण है। पटना और बिहार के लोगों को समझने में देर नहीं लगेगी कि अमर उजाला आम लोगों के प्रयास से आम लोगों की सहूलियत के लिए शुरू हुए माँ ब्लड सेंटर की बात कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल इसका शुभारंभ किया था। एक साल के अंदर यहाँ 3,684 यूनिट खून रक्तदान के जरिए संग्रहित किया गया है और 4,464 यूनिट ब्लड 3,281 जरूरतमंदों को दिया गया। बिहार के करीब 15,000 लोगों के साथ देश भर के 1,00,000 लोगों की निस्वार्थ संस्था माँ वैष्णो देवी सेवा समिति पटना के इस ब्लड बैंक की पहली वर्षगांठ पर रविवार को आयोजित हो रहे कार्यक्रम में बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर शामिल हो रहे हैं। वैष्णो देवी सेवा समिति ने माता का जागरण कार्यक्रम में अपने सामाजिक गतिविधियों की शुरुआत की। 2009 में अस्तित्व में आई इस संस्था से आज पूरे देश में करीब 1,00,000 और बिहार में 15,000 लोग इस संस्था से जुड़े हैं। इस संस्था द्वारा सरकारी अस्पताल की सहायता के लिए 2010 से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो इस संस्था द्वारा अब तक 56,000 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है। इतना ही नहीं, 2018 में एक दिन के अंदर संस्था द्वारा पीएमसीएच में 550 यूनिट ब्लड डोनेट करवाया गया। अब तक बिहार में यह रिकॉर्ड है। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति बिहार की बेटियों के लिए भी लगातार अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाती रहती है। हर साल 51 कन्याओं का दहेज मुक्त विवाह करवाया जाता है। अब तक 488 बेटियों का विवाह संपन्न हो चुका है। इसमें से 50 नव दंपति हैं।